फ्रेंड्स, होम स्टाइल कुकिंग में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा रेसिपी है एग पराठा रेसिपी। तो इसके लिए मैंने आटे का दो तैयार कर लिया है और एग ले लिया है। हरी कटी हुई मिर्च है जो मैंने दो यूज़ किया है। सॉल्ट है जो हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे और बटर है। हम अंडे को फोड़ लेते हैं। और इसमें हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार सॉल्ट, और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब जो मैंने बेल लिया है, अब हम इस पे थोड़ा बटर लगाएंगे। अच्छी तरह बटर लगाना है। के बाद थोड़ा आटा और फिर इसे पराठे का शेप देंगे। इस साइड में भी अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे और अब हम इसे पराठे के ट्रायंगल शेप में बेल देंगे। अब हमारा तवा गरम हो चुका है तो इस पे हम थोड़ा बटर लगाएंगे। और हमारे पराठे को सेकेंगे। ये धीमी आंच में सेकेंगे इसे। तो देखिए, अब हम ये हमारा ये पराठा अच्छी तरह से पक रहा है। इसे धीमी आंच में पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा में इस तरह का शेप ले लिया है और इस तरह पैकेट पॉकेट टाइप में ऐसा पराठा में हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने एग का घोल डालेंगे। तो ये अच्छी तरह से ये प्रोसेस करना है। अगर एग थोड़ा बाहर भी आ जाए तो कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। तरह से हम इसे पलट देंगे और इसे धीमी आंच में पकाएंगे ताकि हमारा एग का घोल अच्छा से पक जाए। देख सकते हैं हमारे पराठे का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो अब ये हमारा एग पराठा बनकर रेडी है। कटिंग कर दिया है हमारे एग पराठा को। और मैं जैसे मैं ये चिकन के साथ मैंने इसे सर्व किया है, तो आप इसे किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा एक पराठा का रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।